हेलो गाइस एवरीवन, जितने भी लोग हैं सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल ट्रिकी नंबर वन पर। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेंगी कि जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, वो बीसी सखी का फॉर्म भरें या फिर आंगनबाड़ी का फॉर्म भरें या फिर दोनों फॉर्म भर सकती हैं। इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजिंग बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हैं। और सही बात तो ये है, आपको जानना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दोनों फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं या फिर एक ही फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो पूरी बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाली है। सो रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा वॉच करें और वीडियो को अंत तक देखें। और चैनल पर पहली बार आए हों तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जो भी फ्यूचर्स की अपडेट हो, नोटिफिकेशन हो, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप देख रहे हैं, आपके थंबनेल पर दिख रहा है कि क्या है ज़रूरी। आंगनबाड़ी फॉर्म भर सकते हैं या फिर जो बहनाएं, जो महिलाएं सेलेक्ट हुई हैं बीसी सखी के लिए, वो आंगनबाड़ी फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकती हैं। साथ में ये भी क्वेश्चन आता है कि ज़्यादा बेनिफिट्स किस में है, यानी कि आंगनबाड़ी फॉर्म में ज़्यादा बेनिफिट्स है या फिर पेमेंट्स है, या फिर ज़्यादा जो है बीसी सखी के लिए आवेदन करने पर मतलब किस में ज़्यादा फ़ायदा है, आप लोग ये पूछते हैं। तो वो भी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में हम आज बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वेलकम बैक गाइज, पुनः एक बार स्वागत है आपके अपनी चैनल ट्रिकी नंबर वन पर। तो ये वीडियो में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है कई प्रश्नों को लेकर है। सबसे पहला प्रश्न तो ये है, जो बहनें, जो महिलाएं सेलेक्ट हुई हैं बीसी सखी के लिए, क्या वो आंगनबाड़ी में फॉर्म भर सकती हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, दूसरी प्रॉब्लम्स आपकी ये आती है कि इन दोनों में से ज़्यादा बेहतर कौन है, ज़्यादा बेटर कौन है। तो दोनों बातों पर हम बात करेंगे और दोनों का सोल्यूशन बताएंगे। बस ज़रूरत है कि आप सब्र बनाए रखें। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उन महिलाओं की जिनका हुआ है चयन, यानी कि जो सेलेक्ट हो चुकी हैं बीसी सखी के लिए। तो इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, आप बीसी सखी में सेलेक्ट हो चुके हो, बिल्कुल सही बात है, बट आपको अभी नौकरी नहीं मिली है। कहने का मतलब, ना आपको अभी ज्वाइनिंग कराया गया है कि आपको ये क्षेत्र मिल गया है, आप तैनात कर दिए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि आपका नाम सेलेक्ट कर लिया गया है, आपकी ट्रेनिंग्स हो चुकी है, आपको फ्यूचर्स में रखा जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। बट ये कहीं यथार्थ नहीं है कि आपको पक्का यानी कि ज्वाइनिंग करा ही लिया जाएगा या फिर आपका कर ही दिया जाएगा। ऐसा कहीं भी अभी कोई अपडेट्स नहीं है, और ना ही किसी बहन का अभी कहीं पर ज्वाइनिंग हुआ है, और ना ही किसी को कोई पेमेंट्स मिला है। तो भाई सबसे पहली बात कर लेते हैं, जो बहनें सेलेक्ट हो चुकी हैं उनके लिए स्पेशल बात है, वो बहुत ही ध्यान से सुने। मैं थोड़ा सा आज वीडियो खुले वातावरण में शूट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पर हवा का भी आप लोगों को वॉइस सुनाई दे रही होगी साथ में मेरे वॉइस के साथ। बट ऐसा ही माहौल कुछ क्रिएट हुआ है कि मुझे वीडियो यहीं पर शूट करना पड़ रहा है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको बताना ज़रूरी था। तो सबसे पहले बात तो आप समझ जाएँ, जो सेलेक्ट हो चुकी हैं उनके लिए क्या करना। अगर आप सेलेक्ट हैं फिर भी आप आंगनबाड़ी की फॉर्म भर सकती हैं। फॉर्म भरना ज़रूरी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग फॉर्म भरें। अभी हम वीडियो के एंड तक आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि आपके लिए दोनों में से बेहतर कौन सा होगा। लेकिन जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं सभी लोग फॉर्म अप्लाई करें आंगनबाड़ी के लिए। अभी तो फ़िलहाल 8 ही ज़िलों में हो रहा है, आगे की जो भी अपडेट होगी, जितने ज़िलों में बढ़ती जाएगी, हम आपको इन्फॉर्मेशन बताते जाएंगे। तो फॉर्म आप ज़रूर भरिए। क्यों भरिए? क्योंकि भैया आपको अभी ज्वाइनिंग नहीं मिली है। ये बिल्कुल सही बात है कि एक बंदा एक ही नौकरी कर सकता है, यानी कि एक बहन एक ही जॉब के लिए सेलेक्ट होगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भी आप बीसी सखी के चक्कर में पड़े हो, सपोज़ दैट मान लो आपका बीसी सखी में चयन ना हो पाए किसी कारणवश, और आपने आंगनबाड़ी का फॉर्म नहीं भरा, तो आप दोनों से वंचित रह जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप दोनों फॉर्म में अप्लाई करें, अगर जिसमें भी हो जाता है आप उसे तुरंत ज्वाइनिंग कर लो, यानी कि उस चीज़ के लिए आप अलर्ट रहो, उस चीज़ में आप ज्वाइनिंग कर लो, सैलरी रहो, एक वेतन उठाओ और अपना जो है नौकरी पक्की करो। लेकिन मेरा बस यही कहने का मतलब, आप आंगनबाड़ी में फॉर्म भरो, लेकिन आपको नौकरी एक ही मिलेगी, ये सुनिश्चित किया गया है कि एक व्यक्ति दो पद या फिर दो लाभप्रद का फ़ायदा नहीं उठा सकता। आपको एक ही नौकरी करनी होगी, चाहे आप आंगनबाड़ी कर सकते हो, चाहे आप बीसी सखी कर सकते हो। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप दोनों में अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। आपका जब फाइनली सेलेक्ट होगा, अगर आप पहले बीसी सखी में सेलेक्ट होते हो यानी कि आपको नौकरी दे दी जाती है, तो आप आंगनबाड़ी का छोड़ दीजिएगा। अगर आपको पहले आंगनबाड़ी की नौकरी मिलती है तो आप बीसी सखी का छोड़ दीजिएगा।
अब दोनों में कंपैरिजन करते हैं जो बात है बेटर कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, बीसी सखी एक ऐसी नौकरी है जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, यानी कि आपको मेहनत सबसे बड़ी तो यही करनी होगी कि पैसे की बात है, पैसे में इतना ज़्यादा दिमाग सेटअप करना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है, जोड़ घटाव करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा मानसिक प्रेशर रहता है कि मैं इनको 50,000 यहाँ पर दी हूँ, 60,000 वहाँ से निकाली हूँ, बहुत ज़्यादा सब सिस्टम से मिलान करना पड़ता है। और सैलरी दोनों की सेम ही है, थोड़ा सा क्या बताऊं कि आपको मैं बता दूं कि इसमें आपको कमीशन मिलेगा, बिल्कुल सही है बैंक सखी में, लेकिन मैं मुझे कहना नहीं चाहिए आपको आंगनबाड़ी में सैलरी के साथ साथ जो आपका अदर सामग्री आती है उस चीज़ के बारे में मैं खुल के ये नहीं कहूंगा कि आप क्या कर सकते हो। आप हमारा संकेत समझ गए होंगे कि आप वहाँ से भी अर्निंग कर सकते हो, लोग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की सैलरी लगभग सेम ही हो जाएगी, तो मेरे हिसाब से तो आंगनबाड़ी ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन इस समय इस बेरोज़गारी के आलम में जो भी आपको मिल जाए वही बेटर है। तो भाई वीडियो कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, आगे की अपडेट जो भी होगी हम आपको बताते रहेंगे, आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में और भी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।